आइए और जानकारी लेते हैं कि जो पंजाब से यहाँ किसान चलकर आए हैं, इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह आप कहाँ से आए हैं? पंजाब अमृतसर से। क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आए हैं? मांगे ये हैं कि पिछले बहुत लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि उनको वाजिब रेट दिया जाए, और उनको जो वाजिब रेट है वो दिया नहीं जा रहा है। इसमें एक स्वामीनाथन कमीशन गठित किया गया है किसानों की खुदकुशियों को देखते हुए। उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि कम से कम जो किसान का लागत खर्चा है उससे 50% ज़्यादा उसको कीमत दी जाए, तो किसान का जो सुसाइड है वो रुक सकता है। सरकार है जो ना तो वो किसानों को जो कीमत है वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे रही है, और ना ही जो उसने कहा है कि जो खर्च जो किसान के ऊपर कर्जा है जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है उसको भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो जो सरकार की गलत नीति है उसकी वजह से चढ़ा हुआ है। ना कर्जा माफ़ कर रही है सर, कोई भी पार्टी की सरकार हो, जब इलेक्शन होती है इलेक्शन में सभी पार्टियां बोलती हैं कि हम जो कर्जा मुक्ति है वो कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो सारे भूल जाते हैं। और उन इसी मांग को लेकर मेनली जो मांग है कि किसानों मजदूरों का जो कर्जा है उसको माफ़ किया जाए, उसको मुक्ति बिल्कुल उस पर लकीर फेरी जाए, और उनको जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भाव दिया जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ऐसा क्या दिया है जो कि मतलब ये उसे सरकार माने? उसमें किसानों के लिए ये है कि जो भी किसान फसल उगाता है उस पर उसका जो खर्च होता है सरकार उससे कम रेट दे रही है जी, और अगर उसको उससे जो उसका खर्चा है उससे कम रेट दिया जाएगा तो कोई भी नहीं है जो किसान को बचा सके। इसीलिए स्वामीनाथन की कमीशन को पहले पड़ाव में ही लागू करना चाहिए, आज तुरंत लागू करना चाहिए, और किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए उसी ने रिकमेंडेशन किया है कि उसका कर्जा जो माफ़ किया जाए। राज्य सरकार से क्या मांगे? राज्य सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है? राज्य सरकार भी उसने भी इलेक्शन के लिए ये स्टंट किया है कि वो माफ़ करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे और वो कर भी नहीं पाएंगे अगर वो करेंगे भी। जुमला पहना रहे हैं वो, राजनीतिक जुमला है, लेकिन कोई भी समस्या को हल नहीं करना चाह रहा है। धन्यवाद।